ओके, पेपर थ्री क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या दिया है, 8th क्वेश्चन, डैश हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 5th चैप्टर में से आपका क्वेश्चन है, मतलब कि आपको तीन ऑप्शन दिए हैं और तीन में से आपको किसी एक को चूज करना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से मिल जाएगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े हुए हैं। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, कौन सी डायरेक्शन में बोला है, लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तब एटम्स की या तो एलिमेंट्स जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब इसे हम किस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे तीन चॉइस दी है, सोडियम, फॉस्फरस एंड क्लोरीन। आपको पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजिशन पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि अगर हम कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन लास्ट में कहीं पे क्या होगा, 18th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो है वो हीलियम होगा। हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा, लिथियम, और लिथियम के नीचे आता है सोडियम। यहाँ पे लिथियम, देन बेरिलियम, और यहाँ पे होगा मैग्नीशियम। फिर बेरिलियम के बाद आपको सीधा बोरोन पर चले जाना है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, और नियोन के ऊपर क्या होगा, हीलियम। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये जो है वो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये वाला जो है वो 13th ग्रुप, 14th, 15th, 16th, 17th और ये वाला जो है वो 18th ग्रुप। अभी उसका मतलब ये हुआ कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने ग्रुप्स लिखे हैं। अभी यहाँ से अगर आप इस तरह जाते हो तो इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट। आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जो है वो मूव कर रहे हो। तो हमारे पास जो तीन ऑप्शन है उसमें क्या है, तो कि यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे ये फॉस्फोरस और यहाँ पे क्लोरीन। तो अभी देखो सबसे लेफ्ट साइड कौन आ रहा है, क्लोरीन। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में एकदम सबसे राइट साइड क्या आ रहा है, क्लोरीन। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में जो ये है क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों से हाई होगी। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा, योर आंसर विल बी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपका आंसर क्या आएगा, क्लोरीन। क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम द गिवन चॉइसिस।